कलकत्ता में बलात्कार की घटना कम है और मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो छुट्टी पर चले गए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका वहाँ कई डॉक्टर से मिलकर और ड्रग्स माफिया से मिलकर लगातार नकली ड्रग्स और गलत ड्रग्स को बाहर से ही, जो अस्पताल के लिए ड्रग्स आते थे वह बाहर से ही उसको बेच दिया जाता था, उसको अस्पताल आने का कोई इजाज़त ही नहीं था। तो यह लड़की जो डॉक्टर थी लगातार डेढ़ महीने से विरोध कर रहा था, सिग्नेचर नहीं किया, डेढ़ महीना से लगातार विरोध चल रहा था। तो और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि यदि आप इस तरह की चीज़ों को नहीं रोकिएगा तो हम इसको पब्लिक डोमेन में ले आएंगे। तो सुपरिटेंडेंट और ये पांच डॉक्टर और दो माफिया, ये सातों मिल करके उस बहन, उस बेटी डॉक्टर को मारते मारते मार दिया, कहीं अन्य जगह ले जाकर सातों। और मारने के बाद उन्होंने होमगार्ड को जबरदस्ती दारू पिलाया और मरने के बाद होमगार्ड को लड़की के पास भेजा। उसके बाद मरने के बाद उसके साथ कहा गया, या ऐसा रिपोर्ट, अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है, अभी तक जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, ग्राम है, जो चीज़ें सामने आ रही है और जो इंटरनल बात आई है यही है कि इसमें पांच डॉक्टर, दो माफिया, सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स रैकेट के कारण उनकी मौत हुई है और बुरे तरीके से मारा गया है। अविलंब फांसी हो, कोई भी बलात्कार में रक्षाबंधन है और लगातार जो हमले हो रहे हैं बेटियों पर, इसके लिए एक सशक्त कानून बने और डेढ़ महीने के अंदर गवाही गुजरवा करके इसको अविलंब फांसी की सजा